दोस्तों आप भी यजुवेंद्र चहल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 18 जुलाई से भारत का श्रीलंकाई दौरा शुरू हो चुका है, जिसमें पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन से श्रीलंकाई टीम को धूल चटा दी थी। भारत ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए दूसरे वनडे मुकाबले में भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया, जिसमें भारत की फिरकी गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने अपनी शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो चलिए बताते हैं आपको उनके इस प्रदर्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और श्रीलंका में से कौन बेहतरीन टीम है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत और श्रीलंकाई का दौरा 18 जुलाई से शुरू हो चुका है। 18 जुलाई से खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से श्रीलंकाई टीम के परखच्चे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त ली और इसके बाद मंगलवार को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरी, क्योंकि पहले मुकाबले में हर एक खिलाड़ी ने बड़ा ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से टीम में किसी बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं थी। बता दें दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने एक बार फिर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाजों ने टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन जैसा कि श्रीलंकाई टीम के पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड रहा है, वो इससे अच्छी शुरुआत को बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। बता दें श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो और विनोद भानु का अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। वो भारतीय गेंदबाजों की गेंदों को बखूबी तरह से पढ़ रहे थे। भारतीय कप्तान शिखर धवन के लिए ये चिंता की बात हो रही थी कि उनके गेंदबाज टीम को शुरुआती सफलता दिलाने में नाकाम हो रहे थे, लेकिन तभी शिखर धवन ने बॉलिंग में एक तब्दीली करी और उनकी फिरकी गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। फिर यजुवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी के बारे में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को फंसाया। उन्होंने 13वीं ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विनोद भानुका को फंसाया और उनका विकेट झटका, और इसी के साथ भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। दोस्तों यजुवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी का सिलसिला यही नहीं रुका, उन्होंने अपनी अगली गेंद पर भानुका को अपनी फिरकी गेंद में फंसा कर पेवेलियन की ओर चलता किया। यजुवेंद्र चहल ने 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर सभी प्रशंसकों का दिल जीत लिया। दोस्तों बता दें यजुवेंद्र चहल अब बस 6 विकेट और दूर थे ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज की सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए। अब सभी फैंस और यजुवेंद्र चहल खुद बेहद ही ज्यादा उत्सुक हैं इस मुकाम को हासिल कराने के लिए। कोशिश करेंगे कि वैसे तो इस दौरे पर इस रिकॉर्ड को अपने नाम हासिल कर ले, ताकि वो भारतीय टीम में अपनी जगह दोबारा से पक्की कर सके। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या यजुवेंद्र चहल इस दौरे पर इस रिकॉर्ड का हासिल कर पाएंगे? कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।